सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज अपडेट जो है जानकारी निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 50% आरक्षण लागू। आप सभी स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा डाउट क्वेश्चन और आप सभी स्टूडेंट जो है भ्रमित हो रहे हैं कि आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा से 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र में सर्वसम्मति से जो है 76% आरक्षण जो है लागू हुआ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद से ही बहुत से गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज खासतौर पर जो काउंसलिंग के हैं, चाहे बीटेक के बाद पॉलिटेक्निक के बाद करें, बीएड के, फार्मेसी के, इंजीनियरिंग के, सभी काउंसलिंग भी बाधित हुए हैं। एक तरह से सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से काफ़ी कम सीटें इस बार जो है सीटें अलॉटमेंट हुए और जितने फुल सीटें थे उन सीटों पर जो है अभी भी खाली सीटें हैं, फुल सीटें जो है नहीं भरे हैं। तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण के वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम्स में थे, डाउट में थे। तो आपको ये मैं क्लियर करने वाला हूँ कि देखिए 76% आरक्षण तो अभी ये मामला चल रहा है और अभी तक जो है किसी भी प्रकार के राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है हस्ताक्षर राज्यपाल के द्वारा नहीं किया गया। तो अभी तक 76% आरक्षण पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं किए गए हैं और अगर राज्यपाल गवर्नर महामहिम अनुसुईया उइके जी अगर हस्ताक्षर कर भी देंगे, लेकिन ये 76% आरक्षण अगर आपके 9वीं अनुसूची में अगर शामिल नहीं होगा, जी हाँ, अगर जब तक के 76% आरक्षण आपके अगर 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक ये छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण ही लागू रहेगा और 50% आरक्षण के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होने वाला और 76% आरक्षण जो है किसी भी तरह से लागू ही नहीं हो पाएगा। अभी तक जो है किसी भी राज्य में 76% आरक्षण जो है लागू नहीं है और 9वीं अनुसूची में भी शामिल नहीं है। सिर्फ तमिलनाडु में 69% आरक्षण है जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल है, जो एक अपवाद के रूप में है, सिर्फ एक ही स्टेट में, बाकी भारत की किसी भी स्टेट में जो है इतने प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है। और वैसे भी बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को अपने जजमेंट में उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा था कि 58% आरक्षण को लेकर कि 58% आरक्षण जो है असंवैधानिक है और 58% आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में लागू ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उन्होंने 58% आरक्षण को जो है रद्द करके छत्तीसगढ़ में जो है 50% आरक्षण जो है किया। तो 50% आरक्षण के अनुसार ही अब जो है सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है डाउट में थे। उन सभी स्टूडेंट के मन में यही प्रश्न क्वेश्चन जो है उठ रहा था कि आखिरकार कब जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा का नई नोटिफिकेशन, भर्ती विज्ञापन जारी हो पाएगा और हम सभी उसके लिए जो है आसानी से किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षण। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती जो है होने वाला है और सभी भर्ती जो है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण के अनुसार ही होगा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 50% आरक्षण के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा और आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकाले जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके आपको स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है। तो यदि आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, देन आपको इसका एक अच्छा एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से हो पाएगा। तो ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिली है, तो इसे कि ज़िंदगी में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी परेशानी हो, तो उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को फेस करना, इसी का नाम ज़िंदगी है। हमें प्रॉब्लम से, हमें परेशानियों से जो है भागना नहीं है, मुंह मोड़ कर नहीं भागना है। जब हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो चुनौतियों, परेशानी तो आएंगी आपके ज़िंदगी में। यह तो एक होता ही ना कि आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानी, इसका तो आना तय है। तो हमें इन प्रॉब्लम से, इन सभी परेशानियों से जो है फेस करना है, तभी हम ज़िंदगी में जो आगे बढ़ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में हम जो है कुछ कर सकते हैं, अपने ख्वाब को, अपने ड्रीम्स को जो है पूरा कर सकते हैं। तो यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। तो मेहनत करने से हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और आज नहीं तो कल आपके ड्रीम्स, आज नहीं तो कल आपके सभी सपने जो है ज़रूर पूरे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही एक अच्छा रिजल्ट होने वाला है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्ती परीक्षा होंगी, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें कि छत्तीसगढ़ में एसआई सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती होना है,
सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के 975 पोस्ट है। तो इसके लिए भी यहाँ पर आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन होने वाला है। तो इसके लिए अगर हम ऐसे ही की बात करें तो 20 जुलाई को जी हाँ, इसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन जारी होगा। और ऐसे ही भर्ती परीक्षा के 975 पदों के लिए आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर महीने में होने वाला है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन, नई नई पेशकश हम सभी स्टूडेंट के लिए जारी किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सिर्फ एक ही तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ के हर एक बेरोजगार युवाओं को जो है गवर्नमेंट जॉब देना, नई स्किल डेवलप करना, स्वरोजगार देना और नए नए भर्ती विज्ञापन जो है जारी करना, यही जो है छत्तीसगढ़ सरकार माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आप लोगों के लिए यही मेन दायित्व है और उनका मेन फर्ज है। इसलिए आप लोगों के पास जो है अच्छा मौका है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जितना हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए। यदि आप अगर आज मेहनत करेंगे तो आने वाला समय आपका ही होगा और आने वाले समय में आपको जो है कामयाबी, सक्सेस, प्रसिद्धि वो सब चीज़ मिलेगा जिसके आप जो है हकदार हैं। अगर आज कहीं आप मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाएगा। तो ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी से समय आपको शायद ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से लाभ उठाइए, इस मौके अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाइए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ सकें और आप अपनी ज़िंदगी में अपने सभी ड्रीम्स को, अपने सभी ख्वाबों को जो है पूरा कर सकें। तो ज़िंदगी सिर्फ हमको एक ही बार मिली है, तो इस एक ही ज़िंदगी में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए और ज़िंदगी में इतना नाम कमाइए, इतना फेम कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। तो इसे ही कि ज़िंदगी में आपको हर एक वो लक्ष्य, हर एक वो सफलता, हर एक वो मंजिल पाना है जिसकी आपको चाहत, जिसकी आपको तमन्ना है। तो बस आपको को अच्छे से मेहनत करना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, देन आपका सिलेक्शन जो है वह शुरू से हो पाएगा। तो ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, नेवर गिव अप, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ आपके सोच से बढ़कर नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं, बस आप में वो लगन होनी चाहिए, वो चाहत होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर अपने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।